लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाना अंतर्गत गैतोर गांव में बंदूक दिखाकर मुर्गी व्यवसायी से मुर्गी लेते समय गांव वालों के हाथों एक युवक पड़ गया। गांव वालों ने उस युवक की पहले तो जमकर पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। युवक के पास एक देसी पाइप गन और एक राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक की पहचान विप्लव वर्मन बताया जा रहा है। उससे दो मुर्गी मांग रहा था। जब मुर्गी व्यवसायी ने कहा कि उसे अगले दिन आना होगा तो वो आग बबूला हो गया और उसने मुर्गी व्यापारी पर बंदूक तान दी। पुलिस ने घायल युवक को चिकित्सा के लिए रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। हमारे फार्म में गए उन्हीं वाले दो मुर्गी दीते हैं। अच्छा, तो हम उन्होंने बोला भाई हमारे 1800 मुर्गी हमारे 341 मुर्गी मारा चाहिए कंपनी रॉय कंपनी सुपरवाइजर आसो हिसाब हो बीपत सब आज बोलते दादा अपने तो परिश्रम पैसा पाबे ना। तो हमें बोलो दादा तो हमें कि करब हमारे तो कारेंट बिल आज एक पहाड़ादार थे। তো ঠিক আছে আমরা একটা বিবেচনা করবো। তারপর উনি চলে যায়, আমরা বাড়িতে আসি। আমার সঙ্গে 4-5 জন লোক ছিল, তখন ও বলাই হ্যাঁ আমাকে দুটো মুরগি দিতে হবে। তখন আমি বললাম ভাই আজকে না, আমার মালটা রাত্রে উঠবে, কালকে তুই একটা মুরগি নিয়ে যাস। তখন বলছে কি আজকে রাত্রে তোকে এখানে থাকতে দিব না। তখন আমি ওকে বোঝাই থামতো, বলছে তুই দাঁড়া আমি আসতেছি, দৌড়ে যা মোটরসাইকেল নিয়ে আসে এইভাবে পিস্তলটা বেড়ে। তখন আমার কাকা ছিল, ওকে কোমরটা ধরে ফেলা দেয়।